वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन के दो सेपरेट वीडियोस कवर किया हूँ, जिसमें कि मैंने आपको गेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन पाते थे उन सभी को मैंने कवर किया है। यदि आपने वो वीडियो देखा नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हमारा MCQ क्वेश्चन है, जो टॉपिक्स पे बेस्ड है, वो आपका सेफ्टी लैंप पे है और आपका जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है टू डिटेक्ट वेरियस टाइप ऑफ गैसेस उस पर बेस्ड होगा। और साथ ही साथ जो आपका इम्पोर्टेंट रेगुलेशन है जो रिलेटेड है आपका सेफ्टी लैंप से, उन सभी पे बेस्ड आपका MCQ क्वेश्चन होने वाला है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। इस PDF को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे विजिट कर सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आइए अब अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो या इस सेक्शन में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आपका फ्लेम सेफ्टी लैंप से रिलेटेड होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में दिए गए हैं, मैं साथ ही साथ इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा ताकि आपको क्वेश्चन समझने में ईजी हो। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु डिस्कवर्ड द फ्लेम सेफ्टी लैंप, यानी कि कौन साइंटिस्ट ने फ्लेम सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए सर हम्फ्री डेवी, ऑप्शन बी डॉक्टर क्लोनी, ऑप्शन सी मूसलर, ऑप्शन डी जेबी मार्सोट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सर हम्फ्री डेवी ने फ्लेम सेफ्टी लैंप का सबसे पहला आविष्कार किया था। इन्होंने 1815 ईस्वी में सेफ्टी लैंप बना दिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि 1 जनवरी 1816 में हरबंस नाम के एक कोलवरी में, जो आपका इंग्लैंड में एक कोलवरी था, उसमें इन्होंने सफल उसका प्रयोग करके वहाँ पे दिखाया। तो ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन सर हम्फ्री डेवी शोज हिज इन्वेंशन ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप इन हरबन कोलवरी ऑफ इंग्लैंड। तो इन्होंने जो सर हम्फ्री डेवी ने फ्लेम सेफ्टी लैंप बनाया था उसको हरबन कोलवरी ऑफ इंग्लैंड में कब वहाँ पे शो किया। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1 जनवरी 1815, ऑप्शन बी 1 दिसंबर 1815, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1816, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1819। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 जनवरी 1816 को इन्होंने अपना जो आविष्कार है वो हरबंस कोलवरी में दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु पुट द 2 वायर गेज इन फ्लेम सेफ्टी लैंप, यानी कि फ्लेम सेफ्टी लैंप में कौन से साइंटिस्ट ने आपका 2 वायर गेज को इनोवेट किया था, या आप कह सकते हैं कि फ्लेम सेफ्टी लैंप में 2 वायर गेज किस साइंटिस्ट ने लगाया था। तो ऑप्शन है आपका जेबी मार्सोट, ऑप्शन बी मूसलर, ऑप्शन सी डॉक्टर क्लोनी, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जेबी मार्सोट ने आपका 2 वायर गेज का फ्लेम सेफ्टी लैंप में इन्होंने यूज़ किया था। नेक्स्ट है आपका, विच टाइप ऑफ ऑयल इज़ यूज्ड इन फ्लेम सेफ्टी लैंप, यानी कि कौन सा तरह का हम लोग ऑयल को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल इन सेफ्टी लैंप। तो ऑप्शन ए आपका एसओ सॉल्विन 1425, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी किरोसिन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड बी। दोस्तों, ये जो आपका एसओ सॉल्विन 1425 है वो आपका हवाई जहाज़ में यूज़ होने वाला फ्यूल है, और चूंकि ये जो ऑयल है वो आपका रेयरली मिलता है, तो जिस कारण से पेट्रोल को इसके इक्विवेलेंट माना गया है, और इसी के कारण अभी के समय में हम लोग जो सेफ्टी लैंप में फ्यूल यूज़ करते हैं वो हमारा पेट्रोल होता है। पहले क्या होता था कि हम लोग किरोसिन ऑयल का यूज़ किया जाता था, लेकिन DGMS अब मना करती है और कहती है कि आपको या तो एसओ सॉल्वेंट 1425 यूज़ करना है इन अ सेफ्टी लैंप, या फिर आप पेट्रोल को यूज़ कर सकते हैं, किरोसिन तेल का यूज़ करना एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पिलर्स आर इन फ्लेम सेफ्टी लैंप, ऑप्शन ए आपका 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 5।
पांच पिलर होते हैं फ्लेम सेफ्टी लैंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ एयर द फ्लेम सेफ्टी लैंप इज क्लासिफाइड ऑन डैश बेसिस, यानी कि कितने तरह से आपका जो फ्लेम सेफ्टी लैंप है उसमें हवा एंटर कर सकता है। तो ऑप्शन ए आपका 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 3, यानी कि हमारा जो सेफ्टी लैंप होता है उसमें हवा तीन तरह से उसके अंदर में प्रवेश कर सकता है, एक आपका टॉप पोर्शन से, एक आपका मिड पोर्शन से, एक आपका बॉटम पोर्शन से। अभी के समय में जो हम लोग मॉडर्न सेफ्टी लैंप यूज़ करते हैं उसमें जो एयर है वो आपका टॉप फिट टाइप का होता है, यानी कि जो हवा है वो टॉप पोर्शन से एंटर करता है सेफ्टी लैंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, इन फ्लेम सेफ्टी लैंप विच टाइप ऑफ विक इज यूज्ड, यानी कि फ्लेम सेफ्टी लैंप में कौन सा तरीका का पलीता को यूज़ में लाया जाता है। ऑप्शन ए आपका फ्लैट विक, ऑप्शन बी राउंड विक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राउंड विक। अभी के समय में हम लोग जो फ्लेम सेफ्टी लैंप में पलीता यूज करते हैं वो हमारा राउंड शेप का होता है। पहले के सेफ्टी लैंप में जो आपका GL5 है उसमें फ्लैट विक का यूज़ किया जाता था, अभी के समय में फ्लैट विक का यूज़ करना DGMS रिस्ट्रिक्ट करता है। क्योंकि क्या होता था कि जब हम लोग फ्लैट विक से जब गैस टेस्टिंग करते थे तो उसका जो फ्लेम है वो स्टेबल नहीं रहता था, वो हिलता डुलता बहुत ज़्यादा था, इस कारण से गैस जांच करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। क्योंकि आपको गैस पता ही नहीं चलता था कि कितना फ्लेम बन रहा है, तो डैट्स वाई DGMS रेस्ट्रिक्ट द फ्लैट विक टू यूज़ इन द सेफ्टी लैंप। सो डैट्स वाई अभी के समय में राउंड विक का ही यूज़ किया जाता है इन अ फ्लेम सेफ्टी लैंप एज अ विक के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी वायर गेज इन मॉडर्न सेफ्टी लैम्प, यानी कि अभी के समय में जो हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैम्प यूज़ करते हैं उसमें कितने वायर गेज होते हैं। ऑप्शन ए आपका 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2। हम लोग अभी के समय में जो मॉडर्न सेफ्टी लैम्प यूज़ करते हैं उसमें 2 वायर गेज होते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है आपका डाया ऑफ वीक इन फ्लेम सेफ्टी लैम्प, यानी कि जो वीक है उसका डाया कितना होगा। तो ऑप्शन ए आपका 4 mm, ऑप्शन बी 6 mm, ऑप्शन सी 8 mm, ऑप्शन डी 10 mm। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 6 mm। 6 mm का डाया का ही हम लोग वीक जो होता है उसका यूज़ करते हैं इन सेफ्टी लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, व्हाट इज़ द वोल्टेज और वोल्ट ऑफ ईच सेल इज यूज्ड एज अ रिलाइटिंग पर्पस इन फ्लेम सेफ्टी लैम्प, यानी कि जो हम लोग सेल यूज़ करते हैं रिलाइटिंग पर्पस के लिए फ्लेम सेफ्टी लैम्प में, उसमें प्रत्येक सेल का कितना वोल्टेज होता है, या फिर आप कह लीजिए कि प्रत्येक सेल कितना वोल्ट का होता है। तो ऑप्शन ए आपका 1 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.5 वोल्ट, ऑप्शन सी 2.5 वोल्ट, ऑप्शन डी 3 वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1.5 वोल्ट का हम लोग सेल को यूज़ करते हैं। और 1.5 वोल्ट का कितना सेल होता है, तो हम लोग 2 सेल का यूज़ करते हैं, तो कुल मिला के आपका जो रिलाइटिंग पर्पज़ से हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं वो आपका 3 वोल्ट का हो जाता है। एक तो पहला सेल आपका 1.5 वोल्ट का होता है, दूसरा सेल आपका 1.5 वोल्ट का होता है, तो कुल मिला के आपका 3 वोल्ट होता है हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, विच डिवाइस एक्सटिंग्विश द फ्लेम इन अ फ्लेम सेफ्टी लैम्प, यानी कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आपका फ्लेम सेफ्टी लैम्प का जो फ्लेम है उसको बुझा देता है। जब हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैम्प को ओपन करते हैं तो उसका जो फ्लेम है वो उसको ऑटोमेटिकली वो एक्सटिंग्विश कर देता है, तो कौन सा डिवाइस है। ऑप्शन ए आपका रिलाइटर, ऑप्शन बी स्नफर, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा स्नफर। स्नफर जो डिवाइस है वो आपका ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश कर देता है फ्लेम को। आपका जो रिलाइटर अरेंजमेंट दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि यदि किसी कारणवश से आपका सेफ्टी लैम्प माइंस में यूज़ करते समय बुझ जाए
तो उसको फिर से जलाने के लिए, फिर से रिलाइट करने के लिए आपका इंटरनल रिलाइटर्स अरेंजमेंट दिया जाता है। आप कमेंट करके बताओ कि कौन से सेफ्टी लैंप में आपका इंटरनल रिलाइटर अरेंजमेंट दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका स्नफर डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी लेयर ऑफ बोनेट इज यूज्ड इन मॉडर्न सेफ्टी लैंप, यानी कि मॉडर्न सेफ्टी लैंप में कितने लेयर का बोनेट यूज होता है। ऑप्शन ए आपका 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2। दो लेयर का हम लोग बोनेट का यूज़ करते हैं इन सेफ्टी लैंप में। और इसका भी एक क्वेश्चन है कि अंदर वाला जो लेयर होता है बोनेट का वो किसके जैसा एक्ट करता है। ये भी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ पिलर इन फ्लेम सेफ्टी लैंप, जो हमारा पिलर का कितना थिकनेस होता है उसके बारे में। तो ऑप्शन ए आपका 4 mm, ऑप्शन बी 5 mm, ऑप्शन सी 6 mm, ऑप्शन डी 8 mm। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 mm थिकनेस का पिलर यूज होता है फ्लेम सेफ्टी लैंप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 14, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर मॉडर्न सेफ्टी लैंप, अभी के समय में कौन सा जो सेफ्टी लैंप है वो आपका मॉडर्न है। ऑप्शन ए आपका GL7, ऑप्शन बी GL50, ऑप्शन सी GL60, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अभी के समय में हम लोग जो फ्लेम सेफ्टी लैंप यूज़ करते हैं वो आपका GL50 और GL7 है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि GL50 में और GL7 में क्या क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, इन मॉडर्न फ्लेम सेफ्टी लैंप विच मेस ऑफ वायर गेज इज यूज, यानी कि कितने मेस का वायर गेज का यूज होता है सेफ्टी लैंप में। ऑप्शन ए आपका 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 30। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 28 मेस का वायर गेज का हम लोग यूज़ करते हैं सेफ्टी लैंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, थिकनेस ऑफ ग्लास इन फ्लेम सेफ्टी लैंप, यानी कि ग्लास का कितना थिकनेस होता है। ऑप्शन ए आपका 5 mm, ऑप्शन बी 6 mm, ऑप्शन डी 8 mm, ऑप्शन डी 10 mm। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 mm। 5 mm का जो थिकनेस है वो ग्लास का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, हाइट ऑफ ग्लास इन सेफ्टी लैंप, यानी कि जो ग्लास है उसका हाइट कितना होता है। ऑप्शन ए आपका 50 mm, ऑप्शन बी 54 mm, ऑप्शन सी 57 mm, ऑप्शन डी 60 mm। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 54 mm। और जो ग्लास का डाया होता है वो आपका 57 mm होता है। हाइट आपका 54 mm होता है, वहीं ग्लास का डाया आपका 57 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय हाउ मेनी टाइप्स, यानी कि जो हीट है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कितना तरह से वो जा सकता है। ऑप्शन ए आपका 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3। तीन तरह से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होता है। मेनली आपका जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो 3 वे से ट्रांसफ़र होता है। एक आपका कंडक्शन होता है, एक आपका कन्वेक्शन होता है, तीसरा आपका रेडिएशन होता है। इन तीनों के माध्यम से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, इन अ सॉलिड सब्सटेंस द हीट इज़ ट्रांसफर टू वन एंड टू अदर एंड थ्रू विच प्रोसेस। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ प्रोग्रेस लिख दिया गया है, यहाँ पे आपका प्रोसेस होगा। यानी कि जो सॉलिड सब्सटेंस में हीट का ट्रांसफ़र है एक एंड से दूसरे एंड में, वो कौन से प्रोसेस के कारण होता है। ऑप्शन ए आपका कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बाय कंडक्शन। सॉलिड सब्सटेंस में आपका जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो आपका कंडक्शन के प्रोसेस के कारण होता है, और जहाँ आपका लिक्विड सब्सटेंस है उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो आपका कन्वेक्शन के फॉर्म में होता है, और जो आपका रेडिएशन है उसमें आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरह से आपका जो हीट है वो ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, इन 28
मेस वायर गेज हाउ मेनी होल्स इन वन इंच स्क्वायर, ऑप्शन ए आपका 400, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 700, ऑप्शन डी 784। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 784 होल्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, एस्बेस्टर पैकिंग रिंग थिकनेस इज, कि जो हम लोग एस्बेस्टर पैकिंग रिंग का यूज़ करते हैं सेफ्टी लैंप में, उसका थिकनेस क्या होता है। ऑप्शन ए आपका 1 mm, ऑप्शन बी 1.4 mm, ऑप्शन सी 2 mm, ऑप्शन डी 2.5 mm। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.4 mm। जो एस्बेस्टर पैकिंग रिंग होता है वो इनकम्बस्टिबल मटेरियल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी इंट्रीगल पार्ट ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प, यानी कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प का कितना अभिन्न अंग होता है। तो ऑप्शन ए आपका 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 8। 8 आपका अभिन्न अंग होता है, जैसा कि आपका बोनेट हो गया, वायर गेज हो गया, ग्लास हो गया, पैकिंग रिंग हो गया, ग्लास रिटेनर रिंग हो गया, ऑयल वेसल हो गया, ये सभी जो पार्ट्स हैं वो आपका अभिन्न अंग है सेफ्टी लैम्प का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, इन फ्लेम सेफ्टी लैम्प व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पार्ट्स विच इज़ मेड अप ऑफ ब्रास, यानी कि आपका जो सेफ्टी लैम्प है उसमें जो भी पार्ट्स यूज होते हैं वो पार्ट्स कितना परसेंट का आपका ब्रास का बना होता है। ऑप्शन ए आपका 30, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 60। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 50%। 50% जो फ्लेम सेफ्टी लैम्प का पार्ट होता है वो आपका ब्रास का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, एट व्हाट वोल्ट डज द फ्लेम सेफ्टी लैम्प सेल बैटरी इज डज नॉट यूज्ड फॉर द रिलाइटिंग पर्पस, यानी कि कितना जो सेफ्टी लैम्प का रिलाइटिंग सिस्टम अरेंजमेंट है उसमें जो बैटरी है वो कितना उसका वोल्ट कम हो जाने पे आपका रिलाइटिंग पर्पस यूज़ ही नहीं होगा, वो इंटरनल रिलाइटर उसका काम ही नहीं करेगा कितना कम वोल्टेज हो जाने पे। तो ऑप्शन ए आपका 0.5 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.5 वोल्ट, ऑप्शन सी 2.3 वोल्ट, ऑप्शन डी 2.5 वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 2.3 वोल्ट से कम जब हो जाता है ना आपका बैटरी का वोल्टेज, तो वो आपका इंटरनल रिलाइटर उस टाइम में फ्लेम सेफ्टी लैम्प का वो काम नहीं कर पाता है, उसके लिए फिर से हम लोग को नया बैटरी लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर गेज, दो वायर गेज के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। ऑप्शन ए आपका 0.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, हाइट ऑफ इनर वायर गेज, जो यानी कि इनर वायर गेज का हाइट कितना होता है। ऑप्शन ए आपका 3 इंच, ऑप्शन बी 4.5 इंच, ऑप्शन सी 4 इंच, ऑप्शन डी 5 इंच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 इंच होता है इनर वायर गेज का हाइट। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आउटर वायर गेज का हाइट कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कह रहा है इन 28 मेस वायर गेज व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ पर होल, यानी कि 28 मेस वाला वायर गेज में आपका कितना विड्थ का होल होता है। ऑप्शन ए आपका 0.4 mm, ऑप्शन बी 0.46 mm, ऑप्शन सी 0.5 mm, ऑप्शन डी 0.8 mm। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.4 mm। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, 1 mm इज इक्वल टू हाउ मेनी या फिर हाउ मच माइक्रोन, 1 mm इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोन। तो ऑप्शन ए आपका 100, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 10,000। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1000 के बराबर होता है, 1000 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 mm। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द अप्रोक्स टेम्परेचर ऑफ फ्लेम इन फ्लेम सेफ्टी लैम्प, यानी कि फ्लेम जब हमारा फ्लेम सेफ्टी लैम्प में जलता है
तो उसका टेम्परेचर अप्रोक्स कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन ए आपका 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 1000 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 1100 सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द वेट ऑफ GL50 इन अ फ्यूल ऑयल। जब GL50 लैंप को वो लबालब आपका ऑयल से भरा होगा तो उसका वेट कितना होता है। ऑप्शन ए 1.5 kg, ऑप्शन बी 1.65 kg, ऑप्शन सी 1.75 kg, ऑप्शन डी 1.85 kg। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.65 kg। जब सेफ्टी लैम में आपका ऑयल भरा होता है तो उसका जो वेट है वो अप्रोक्स आपका 1.65 kg हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कैंडल पावर ऑफ सर हम्फ्री डेवी लैम्प। जब सर हम्फ्री डेवी ने लैम्प का आविष्कार किया था तो उस समय जो कैंडल पावर था उस लैम्प का वो कितना था। ऑप्शन ए आपका 0.1, ऑप्शन बी 0.2, ऑप्शन सी 0.5, ऑप्शन डी 1.2। तो उस टाइम जो कैंडल पावर था वो आपका 0.1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कैंडल पावर ऑफ मॉडर्न फ्लेम सेफ्टी लैम्प। अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं सेफ्टी लैम्प, उसका कैंडल पावर कितना होता है। ऑप्शन ए आपका 0.1, ऑप्शन बी 0.2, ऑप्शन सी 1.2, ऑप्शन डी 0.5। तो अभी के समय में जो हम लोग सेफ्टी लैम्प यूज़ करते हैं उसका कैंडल पावर 1.2 होता है। आपका एक क्वेश्चन है कि कैप लैम्प का कैंडल पावर कितना होता है, उसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। 33 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द इंट्रीगल पार्ट ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प। यानी कि कौन सा इनमें से आपका अभिन्न अंग है सेफ्टी लैम्प का। ऑप्शन ए आपका बोनेट, ऑप्शन बी ऑयल वेसल, ऑप्शन सी वायर गेज एंड ग्लास, ऑप्शन डी ऑल। तो ये सभी आपके अभिन्न अंग हैं सेफ्टी लैम्प के, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी होल्स पर इंच स्क्वायर ऑफ 20 मेस वायर गेज। जो 20 मेस वाला वायर गेज होता है, जो अभी के समय में तो हमारे सेफ्टी लैम्प में 20 मेस वाला वायर गेज तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन जो जब पहले ज़माने के टाइम में आपका 20 मेस वाला वायर गेज यूज़ होता था तो उस समय उसका पर इंच स्क्वायर में कितना होल होता था, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। ऑप्शन ए आपका 300, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन सी डी 784 होल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 400 होल्स हुआ करता था। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द इन व्हाट इंटरवल वी चेंज द वीक ऑफ सेफ्टी लैम्प। यानी कि कितने टाइम इंटरवल के दौरान हम लोग जो पलीता होता है सेफ्टी लैम्प का उसको चेंज करते हैं। ऑप्शन ए आपका डेली, ऑप्शन बी 15 डेज, ऑप्शन सी 20 डेज, ऑप्शन डी 30 डेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 30 डेज के इंटरवल पे हम लोग जो वीक है उसको हम लोग चेंज करते हैं। 36 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ ऑयल शुड बी टेकन इन फ्लेम सेफ्टी लैम्प। यानी कि कितना क्वांटिटी में आपका सेफ्टी लैम्प में ऑयल लेता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कितना क्वांटिटी में हम लोग सेफ्टी लैम्प में ऑयल को फिल करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका 30-40 ग्राम, ऑप्शन बी 50-60 ग्राम, ऑप्शन सी 70-80 ग्राम, ऑप्शन डी 90-100 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी होता है, 70-80 ग्राम। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, और गेस टेस्टिंग के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन होता है, डाउट्स होती है क्वेश्चन में, तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द गैस इज चेक्ड इन ब्लास्टिंग प्रोसेस। कब हम लोग गैस का जांच करेंगे, जब हम लोग ब्लास्टिंग प्रोसेस करेंगे। तो बिफोर स्टीमिंग, ऑप्शन बी बिफोर ब्लास्टिंग, ऑप्शन सी आफ्टर ब्लास्टिंग, ऑप्शन डी ऑल। तो जब हम लोग ब्लास्टिंग करने वाले होते हैं तो जब हम लोग ने होल किया तो उसी समय हम लोग गैस डिटेक्ट करते हैं। यदि गैस मिलता है तो सबसे पहला उस गैस को हटाया जाता है, उसके बाद फिर हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, एक्सप्लोसिव उस शॉर्ट होल में डालते हैं, उसके बाद स्टेमिंग करते हैं। और जब हमारा फेस जब ब्लास्ट हो जाता है
तो उसके बाद हम लोग फिर से एक बार गैस जांच करते हैं। तो इसमें हम लोग ने देखा कि बिफोर स्टेमिंग, स्टेमिंग से पहले हम लोग ने जांच करते हैं, फिर है आपका ऑप्शन बी बिफोर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग से पहले ही। तो हम लोग स्टेमिंग से पहले ही ना हम लोग अपना गैस जांच कर रहे हैं उस शॉर्ट होल में, तो ये भी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आफ्टर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग के बाद भी हम लोग गैस जांच करते हैं, और ऑप्शन डी है ऑल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, थ्रू हाउ मेनी मेथड डज वी चेक द प्रेजेंस ऑफ मीथेन विद फ्लेम सेफ्टी लैम्प। यानी कि जो हमारा सेफ्टी लैम्प है उससे हम लोग कौन से मेथड से, कौन कौन से मेथड से हम लोग जो मीथेन का परसेंटेज है उसको, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मीथेन का प्रेजेंस है उसके मौजूदगी का हम लोग पता लगाते हैं। ऑप्शन ए आपका एक्यूमुलेशन टेस्ट, ऑप्शन बी परसेंटेज टेस्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। दोस्तों हम लोग सेफ्टी लैम्प से एक्यूमुलेशन टेस्ट करते हैं। एक्यूमुलेशन टेस्ट में जब हम लोग को गैस मिल जाता है तो उसके बाद हम लोग परसेंटेज टेस्ट नहीं करते हैं। जब हम लोग को एक्यूमुलेशन टेस्ट में गैस नहीं मिलता है उसके बाद ही हम लोग परसेंटेज टेस्ट करते हैं। तो ये दोनों टेस्ट हम लोग करते हैं विथ फ्लेम सेफ्टी लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, इफ़ द मीथेन इज डिटेक्टेड थ्रू एक्यूमुलेशन टेस्ट व्हेन, सॉरी, इफ द मीथेन इज डिटेक्टेड थ्रू एक्यूमुलेशन टेस्ट देन व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ मीथेन मे प्रेजेंट ऑन दैट प्लेस। यानी कि जब हम लोग एक्यूमुलेशन टेस्ट करते हैं आपका सेफ्टी लैम्प से, तो उस समय यदि हम लोग को एक्यूमुलेशन टेस्ट में किसी भी जो मीथेन है अगर उसका प्रेजेंस हम लोग को मिलता है कि उस जगह पे मीथेन है, तो उस समय एक्यूमुलेशन टेस्ट से कितना परसेंटेज तक हम लोग समझते हैं कि हमारा जो गैस है वो मौजूद हो सकता है। ऑप्शन ए आपका 3% और एबव, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 4%। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 3% और एबव होगा। जब भी हम लोग एक्यूमुलेशन टेस्ट करते हैं तो यदि मीथेन का प्रेजेंस अगर हम लोग को पता चला तो हम लोग समझ ले के चलते हैं कि उस प्लेस में आपका जो मीथेन का जो परसेंटेज होगा वो 3% या उससे अधिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, इफ़ द फ्लेम हाइट इज 14 mm, यदि फ्लेम हाइट आपका 14 mm है तो परसेंटेज ऑफ मीथेन क्या होगा। तो ऑप्शन ए आपका 2%, ऑप्शन बी 2.5%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 3.5%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 2.5% हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, हाउ गैस इज इंक्रीज इन द गैस टेस्टिंग चैम्बर। गैस टेस्टिंग चैम्बर में हम लोग गैस का जो परसेंटेज है उसको कैसे इंक्रीज करते हैं। ऑप्शन ए बाय ओपन द वाल्व, ऑप्शन बी बाय स्विच ऑन द फैन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो जो हम लोग गैस टेस्टिंग चैम्बर में गैस कैसे इंक्रीज करते हैं, आपका जो वाल्व होता है उसको जब हम लोग ओपन कर देते हैं तो उससे आपका जो गैस टेस्टिंग चैम्बर में गैस इंक्रीज हो जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि गैस टेस्टिंग चैम्बर में यदि हम लोग को जो गैस का परसेंटेज है उसको डिक्रीज करना है, तो उस समय हम लोग स्विच ऑन कर देते हैं फैन को, तो उससे क्या होता है कि आपका जो गैस टेस्टिंग चैम्बर में जो गैस है वो कम हो जाता है। और यदि हम लोग को गैस को इंक्रीज करना है तो उसके लिए हम लोग को वाल्व को ओपन करना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बाय ओपन द वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, विच इंस्ट्रूमेंट गिव एक्यूरेट परसेंटेज ऑफ मीथेन। कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो आपका मीथेन का परसेंटेज वो एक्यूरेसी के साथ देता है। ऑप्शन ए आपका फ्लेम सेफ्टी लैम्प, ऑप्शन बी मीथेनोमीटर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मीथेनोमीटर आपका जो परसेंटेज ऑफ मीथेन है वो एक्यूरेट देता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43, द गैलरी इज फाउंड ऑफ गैस देन विच टाइप ऑफ फेंसिंग इज गिवन टू डैट गैलरी। एक गैलरी में आपका गैस पाया गया तो
तो उस समय उस गैलरी में हम लोग कौन सा फेंसिंग देंगे? ऑप्शन ए आपका U1 शेप का फेंसिंग देंगे, ऑप्शन बी U2 शेप, ऑप्शन सी S1, ऑप्शन डी G1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, U1 टाइप का हम लोग फेंसिंग को देंगे जहाँ इस गैलरी में हम लोग को गैस मिला है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। इन परसेंटेज टेस्ट विच फ्लेम इज मेड? जब हम लोग परसेंटेज टेस्ट करते हैं सेफ्टी लैम्प से तो उस समय हम लोग कौन सा फ्लेम बनाते हैं? ऑप्शन ए नॉर्मल फ्लेम, ऑप्शन बी टेस्टिंग फ्लेम, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो जब हम लोग परसेंटेज टेस्ट करते हैं तो उस समय जो फ्लेम बनाते हैं वो होता है हमारा टेस्टिंग फ्लेम। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट डिटेक्टेड बाय मिथेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट? कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपका मिथेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाता है? ऑप्शन ए फायर डैम प्रेजेंस, ऑप्शन बी ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीजन डिफिशियंसी का ये मिथेनोमीटर जांच नहीं कर पाता है, वो सिर्फ आपका मीथेन का ही परसेंटेज को वो डिटेक्ट कर पाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा जो सेफ्टी लैंप होता है वो मीथेन का परसेंटेज को तो बता ही देता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन का कमी को भी बता देता है और जो ब्लैक डैम है उसका मौजूदगी को भी वो बता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। फायर डैम इज टेस्टेड थ्रू विच ऑफ? ऑप्शन ए मिथेनोमीटर, ऑप्शन बी LMD यानी कि लोकल मीथेन डिटेक्टर, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक फायर डैम डिटेक्टर, ऑप्शन सी ग्लास गैस एनालिसिस, ऑप्शन डी ऑल। तो इन तीनों इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, सॉरी ये आपका मिथेनोमीटर हो गया, LMD, AFD हो गया और गैस एनालिसिस करके हम लोग को फायर डैम का जो प्रेजेंस है और जो मीथेन का जो परसेंटेज है उसको हम लोग को पता चलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। एट व्हाट परसेंट डज द मिथेनोमीटर डिटेक्ट द परसेंटेज ऑफ मीथेन? यानी कि मिथेनोमीटर से हम लोग कितना परसेंट तक हमारा फायर डैम को ये डिटेक्ट कर सकती है? ऑप्शन ए आपका 0 से 3%, ऑप्शन बी 0 से 5%, ऑप्शन सी 0 से 10%, ऑप्शन डी 0 से 15%। तो मिथेनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका 0 से 5% तक के बीच में अगर मीथेन प्रेजेंस है तो उतना तक के रेंज में यह जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिटेक्ट कर पाती है प्रेजेंस ऑफ मीथेन को। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48। लाइट ऑफ ऑटोमेटिक फायर डैम डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट ब्लिंक एट द इंटरवल ऑफ? जो आपका AFD इंस्ट्रूमेंट है वो कितना इंटरवल पे आपका उसका जो लाइट है वो ब्लिंक करता हुआ रहती है? ऑप्शन ए आपका 5 सेकेंड, ऑप्शन बी 10 सेकेंड, ऑप्शन सी 15 सेकेंड, ऑप्शन डी 20 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 सेकेंड के इंटरवल पे आपका जो लाइट होता है AFD इंस्ट्रूमेंट का वो ब्लिंक करता हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट वाट परसेंट ऑफ लोकल मीथेन डिटेक्टर डिटेक्ट द फायर डैम? यानी कि जो LMD जो मशीन है उस मशीन के या फिर आप कह लीजिए उस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग कितना परसेंटेज तक आपका जो मीथेन का प्रेजेंस है वो डिटेक्ट कर पाती है? तो ऑप्शन ए 0 से 3%, ऑप्शन बी 0 से 5%, ऑप्शन सी 0 से 10%, ऑप्शन डी 0 से 15%। तो लोकल मीथेन डिटेक्टर से हम लोग 0 से 3% तक मीथेन जांच कर सकते हैं, वही मिथेनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो 0 से 5% तक जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। थ्रू विच इंस्ट्रूमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज टेस्टेड? कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट से हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जांच करते हैं? ऑप्शन ए टॉक्सिक मीटर, ऑप्शन बी मिथेनोमीटर, ऑप्शन सी ऑक्सीमीटर, ऑप्शन डी नन। तो आपका जो टॉक्सिक मीटर होता है इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का जांच कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिथेनोमीटर से हम लोग सिर्फ और सिर्फ मीथेन गैस का जांच कर सकते हैं,
ऑक्सीमीटर से हम लोग ऑक्सीजन का परसेंटेज को जांच कर सकते हैं, ऑप्शन डी तो आपका ऐसे ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51। इन विच प्रिंसिपल डज द ऑक्सीजन टेस्ट इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन, जो भी ऑक्सीजन जांच करने वाली इंस्ट्रूमेंट होती है वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है? ऑप्शन ए आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थ्योरी, ऑप्शन सी इंटरफिकेशन, ऑप्शन डी नन। तो जो भी ऑक्सीजन टेस्ट करने वाली इंस्ट्रूमेंट होती है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थ्योरी पे ही बेस्ड होती है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जो हमारा मिथेनोमीटर होता है वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होती है, और आपका जो LMD हो गया या फिर AFD हो गया वो सभी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। सिर्फ आपका जो ऑक्सीजन टेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थ्योरी पे ही बेस्ड होती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। द कैथोड इज मेड अप ऑफ विच मैटर इन ऑक्सीजन टेस्ट इंस्ट्रूमेंट, जो ऑक्सीजन टेस्ट करने वाली इंस्ट्रूमेंट होती है उसका जो कैथोड होता है वो किस मेटल का बना होता है? ऑप्शन ए आपका सिल्वर, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो जो कैथोड होता है वो आपका मेनली गोल्ड का बना होता है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और वहीं जो ऑक्सीजन टेस्ट इंस्ट्रूमेंट यानी कि ऑक्सीजन जांच करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो एनोड है वो आपका मेनली लीड का बना होता है, सीसा जिसको हम लोग सीसा बोलते हैं उसका वो बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डन एट द इंटरवल ऑफ, जो हम लोग कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट का करते हैं कितना टाइम इंटरवल के दौरान हम लोग हर एक इंस्ट्रूमेंट का रिकैलिब्रेशन करते हैं? तो ऑप्शन ए आपका 1 मंथ, ऑप्शन बी 3 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी 1 ईयर। तो हर एक हम लोग 3 मंथ के इंटरवल पे इंस्ट्रूमेंट जो भी हमारा मिथेनोमीटर हो गया या फिर कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट हो गया उसका हम लोग 3 मंथ के इंटरवल पे रिकैलिब्रेशन करते रहते हैं ताकि उसका जो एक्यूरेसी है वो हम लोग को पता चलते रहे, और उसमें यदि कोई भी डिफेक्ट आएगा तो उसको हम लोग रिकैलिब्रेट करके उसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। GL5 इज अ, ऑप्शन ए टॉप फीड फाइव, ऑप्शन बी मिड फीड टाइप, ऑप्शन सी बॉटम फीड टाइप, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मिड फीड टाइप। जो GL5 सेफ्टी लैंप होता है उसमें जो हवा है वो आपका मिडिल पोर्शन से एंटर करती है, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो मिड फिट टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका GL60 इज अ, ऑप्शन ए आपका टॉप फिट टाइप, ऑप्शन बी बॉटम फिट टाइप, ऑप्शन सी मिड फिट टाइप, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। जो हमारा सेफ्टी लैंप है GL60 उसमें आपका हवा वो आइदर आपका टॉप पोर्शन से जा सकता है या फिर आपका बॉटम पोर्शन से जा सकता है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अभी के समय में हम लोग मेनली GL5 और GL7 सेफ्टी लैंप का यूज़ करते हैं, सॉरी GL50 और GL7 लैंप का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें कि जो हवा है वो आपका टॉप फिट टाइप का होता है यानी कि उसमें जो हवा जाएगा वो टॉप पोर्शन से ही उसमें एंटर करता है उस सेफ्टी लैंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। इन विच सेफ्टी लैंप देयर इज़ अ स्केल, कौन सा ऐसा सेफ्टी लैंप है जिसमें आपका स्केल दिया हुआ रहता है? ऑप्शन ए GL5, ऑप्शन बी GL50, ऑप्शन सी GL7, ऑप्शन डी 60। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, GL7। दोस्तों GL7 आपका एक मॉडर्न फ्लेम सेफ्टी लैंप है जिसमें कि आपका इंटरनल रिलाइटर भी होता है, साथ ही साथ आपका स्केल भी दिया जाता है ताकि हम लोग को गैस इजीली हम लोग गैस का जो परसेंटेज है वो इजीली डिटेक्ट कर सके, उसका रीडिंग को अगर हम लोग उस स्केल में पढ़ लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज में आपका मीथेन वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन क्या होता है कि GL50 सब में तो स्केल नहीं होता, उसमें हम लोग को अंदाज़ा लगाना पड़ता है
कि कितना परसेंट तक हो सकता है कैप लेंथ का हाइट को देख करके, सॉरी फ्लेम का हाइट को देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच सेफ्टी लैंप द इंटरनल रिलाइटिंग अरेंजमेंट आर गिवन। ऐसा कौन सा सेफ्टी लैंप है जिसमें आपका इंटरनल रिलाइटर दिया हुआ रहता है? ऑप्शन ए GL5, ऑप्शन बी GL7, ऑप्शन 6, ऑप्शन सी आपका GL60, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इंटरनल रिलाइटर आपका सिर्फ और सिर्फ GL7 लैंप में दिया हुआ रहता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द लाइफ ऑफ अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप। एक अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप का कितना लाइफ स्पेन होता है? तो ऑप्शन ए आपका 6 मंथ, ऑप्शन बी 1 ईयर, ऑप्शन सी 6 ईयर, ऑप्शन डी 10 ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 ईयर तक हम लोग सेफ्टी लैंप को यूज़ कर सकते हैं और उसका जो लाइफ है वो मेनली आपका 6 ईयर माना गया है। नेक्स्ट, यहाँ तक जो भी क्वेश्चन था वो आपका सेफ्टी लैंप से रिलेटेड था और आपका इंस्ट्रूमेंट से मेनली रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन आएगा वो आपका गेस टेस्टिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रेगुलेशन है उससे आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें और जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया है तो उसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने का भी कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59, मीथेन मोनिटर शैल बी प्लेस्ड एट इंटरवल अलोंग द मेन पाइपलाइन इन द रिटर्न एयरवे। आपका मीथेन मोनिटर सिस्टम हम लोग कितना टाइम इंटरवल पे, या फिर आप नहीं सॉरी टाइम इंटरवल पे नहीं, कितना डिस्टेंस पे हम लोग लगाएंगे? तो ऑप्शन ए आपका 300 मीटर, ऑप्शन बी 500 मीटर, ऑप्शन सी 600 मीटर, ऑप्शन डी 200 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 500 मीटर के इंटरवल पे हम लोग मीथेन मोनिटर सिस्टम लगाते हैं इन द रिटर्न एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60, एट व्हाट डिस्टेंस द गैस इज टेस्टेड व्हेन ब्लास्टिंग ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। जब हम लोग ब्लास्टिंग ऑपरेशन करते हैं तो उस समय हम लोग कितना डिस्टेंस तक गैस का जांच करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61, नो अदर पार्ट ऑफ द फ्लेम सेफ्टी लैंप अदर देन डैश शैल बी रिप्लेस्ड एक्सेप्ट बाय अ पार्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द लैंप टू अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन। ये क्वेश्चन आपका रेगुलेशन नंबर 181 में दिया गया है। ये क्वेश्चन मेनली आपको कह रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको कि छोड़ करके अदर पार्ट को ही हम लोग जब भी लगाएंगे या फिर रिप्लेस करेंगे तो वो आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। जो DGMS अप्रूव्ड की है जो भी कंपनी को, उसी कंपनी का हम लोग को पार्ट को लगाना है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेप्ट कौन कौन सा पार्ट को छोड़ करके। तो ऑप्शन ए आपका ग्लास, ऑप्शन बी बोनेट, ऑप्शन सी वीक एंड बैटरी, ऑप्शन डी ऑल। तो ये जो आपका ग्लास हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि ग्लास आपका बोरोसिल कंपनी का ही हम लोग लगाते हैं आप हमारा सेफ्टी लैंप में। तो जो DGMS अप्रूव की है बोरोसिल कंपनी का, तो उसी कंपनी का हम लोग को लगाना है सेफ्टी लैंप में ग्लास को। और बोनेट जो भी कंपनी का, जैसे आपका बोनेट जो है उसको जो भी कंपनी को DGMS अप्रूव की है वही कंपनी का हम लोग सेफ्टी लैंप में लगाते हैं। लेकिन वीक और बैटरी जो है उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है कि ऐसा जो भी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करेगी उसी का ही लगाना है, वैसा नहीं है। इसका हम लोग चाहेंगे तो कोई भी कंपनी का लगा सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62, लैंप चेक सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड अंडर विच रेगुलेशन ऑफ CMR 1957। जब CMR 1957 लागू था तो उस समय एक लैंप चेक का सर्टिफिकेट भी मिलता था आदमी लोग को। तो उस समय तो गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं थे, तो उसी समय आपका लैंप चेक का सर्टिफिकेट दिया जाता था। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो लैंप चेक का सर्टिफिकेट आपका CMR में दिया जाता था वो कौन से रेगुलेशन के तहत दिया जाता था।
ऑप्शन ए आपका रेगुलेशन नंबर 12, ऑप्शन बी रेगुलेशन नंबर 14, ऑप्शन सी रेगुलेशन नंबर 60, ऑप्शन डी रेगुलेशन नंबर 55। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रेगुलेशन नंबर 12 के अधीन ही आपका जो सेफ्टी सॉरी लैम्चे का सर्टिफिकेट था वो आपका दिया जाता था अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 12 ऑफ CMR 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। इफ अ मीथेन गैस इज डिटेक्टेड इन अ प्लेस देन विच रेगुलेशन शुड माइनिंग सरकार फॉलो। जब किसी भी प्लेस में यदि मीथेन प्रेजेंस मिलता है माइनिंग सरदार को तो माइनिंग सरदार कौन सा रेगुलेशन को फॉलो करेगा। ऑप्शन ए आपका रेगुलेशन नंबर 166, रेगुलेशन नंबर 171, ऑप्शन सी रेगुलेशन नंबर 181, ऑप्शन डी रेगुलेशन नंबर 159। तो जब भी किसी भी प्लेस में मीथेन गैस का मौजूदगी मिलता है तो उस समय माइनिंग सरदार जो होते हैं वो रेगुलेशन नंबर 166 को फॉलो करते हैं, यानी कि प्रिकॉशन अगेंस्ट नॉक्सियस एंड इन्फ्लेमेबल गैस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द न्यू वन क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 64 क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ एयर करंट एट द मैक्सिमम स्पेन ऑफ अ लॉन्ग वॉल फेस ऑफ डिग्री 3 माइल्स। ऑप्शन ए 60 मीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 75 मीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 45 मीटर पर मिनट, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 75 मीटर पर मिनट के स्पीड से हम लोग जो हमारा लॉन्ग वॉल फेस होता है उस डिग्री 3 माइल्स में उसका जो वेलोसिटी ऑफ एयर है वो हम लोग को मेनली 75 मीटर पर मिनट का स्पीड से हम लोग एयर करंट को फ्लो करवाते हैं। नेक्स्ट है आपका और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। वेट बल्ब टेम्परेचर इन एनी वर्किंग प्लेस शुड नॉट एक्सीड। ये क्वेश्चन आपका रेगुलेशन नंबर 153 से दिया गया है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन से। कह रहा है कि वेट बल्ब टेम्परेचर किसी भी वर्किंग प्लेस में कितना से अधिक नहीं हो सकता है और या फिर कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका 33.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 30.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 33.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जब भी यदि वेट बल्ब टेम्परेचर यदि 30.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने लगता है तो उस कंडीशन में हम लोग 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एयर को फ्लो करवाते हैं। लेकिन माइंस में किसी भी प्लेस में जो वेट बल्ब टेम्परेचर है उसका जो टेम्परेचर वो 33.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। ये तो कंडीशन आपका जब कम रहेगा, तो जब आपका 30.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने लगेगा तो उस समय ये काम हम लोग ये प्रिकॉशन लेंगे कि 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एयर वेलोसिटी को फ्लो करवाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो जानकारी है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस PDF को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे विजिट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स होता है तो बेधड़क आप हमें सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपना डाउट्स को पूछ सकते हैं या फिर आप सिंपली कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।